सारे मेरे हाथ जख्मी कर दिए हैं। बजीज को देखे दोस्तों ऊपर कितना ज्यादा खुश है यार। मास्टर केज में ज्यादा बजीज खुश रहते हैं और मटकियों के अंदर जाना शुरू कर दिया। वो देखे कार्नर में मटकी लगी हुई है और उसके अंदर एक बजीज जा रहा है। ये देखे अभी बाहर निकल आया है। तो यार जल्दी से जाते हैं, पहले वहाँ देखते हैं कि अंडे आए हैं या अभी तक नहीं आए। इधर क्या कर रही है, इनको लेके जा रहे हो? ले आओ ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई सिम्बा किधर जा रही हो? एक दिन के बाद मुझे नजर आ रहा है सिम्बा, लिफ्ट तो करवा दो यार, किधर जा रही हो, भाग रही हो? एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ यार, इनको रास्ते का पता, सीधा वहाँ पर चले जाएंगे। अब ये बच्चे लिफ्ट नहीं करवाते। इधर आओ भाई इधर आओ। हाँ भाई क्या हाल है? चलो माँ के साथ भाग के जाओ भाग के जाओ भाग के जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ भाई बजीज लड़ाई क्यों कर रही हो? एक मटकी है और बजीज यहाँ पर ज्यादा है ना, तो इसलिए वो कॉर्नर देखे एक दो बजीज निकले भी हैं, तो मटकी को उतारते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगर तो जा रहे हैं सीरियस है भाई, इन्होंने अंडे बच्चे यहाँ पर देने हैं, तो मटकियों की टेंशन नहीं है और रहेंगे। तुमने अभी वो अंडा किधर गया तुम्हारा? सारा घास यार यहाँ से घास उठा दिया, सिर्फ अंडा पड़ा हुआ है और इसमें से मुझे पता है बच्चा नहीं निकलने वाला। ये कितने दिनों से पड़ा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा टूट भी चुका है। चले खैर इसे वापस रखते हैं और हम मटकियाँ देखते हैं। ये जो मेल बैठा हुआ है ना और उसके साथ फीमेल, यही दो मुझे सीरियस लग रहे हैं, लेकिन इनको बाकी अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि ज़्यादा है ना और मटकी है क्या, तो इसलिए इस मटकी को यहीं से उतार कर खाली है अभी। तो फिलहाल ये मटकी सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं नीचे जाता हूँ, तीन चार मटकियाँ और ले आता हूँ। एक अंडा ये टूटा पड़ा है और एक ही अंडा ये पड़ा हुआ है जो कि अब ख़राब हो चुका है, और यहाँ पर तो काफ़ी ढेर अंडों का लगा हुआ है। चलो भाई नीचे उतरो, उठ जाओ इधर से, ये सारे अंडे ख़राब हैं ऐसे ही। क्या यार देखें, 3, 6, 2, 8 7 अंडे, एक अभी मैंने उठा के रखे हैं। अब ये मोहतरमा 8 अंडों में से बच्चे निकालने वाली हैं, कोई अंडा नहीं है। चलो उठो, नए अंडे दो, इन अंडों को हम यहाँ से उठा लेते हैं यार। ऐसे अगर मैं जमा करना शुरू कर दूँ तो एक महीने में तो यहाँ ढेर लग जाए अंडों का। इसको वापस फिर लगा देते हैं और सारे अंडे मैंने नीचे फेंक दिए हैं। अब कम से कम वो नए अंडे देगी, उन्हीं अंडों के ऊपर नहीं बैठ सकेगी। जो फिंच उस दिन भाई ने हमें पकड़ कर दी थी वो बेचारी अभी तक नहीं उड़ पा रही। ऊपर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन जा नहीं पाती, लेकिन कुछ दिन तक इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पर ये कम से कम सिक्योर है, अगर ये बाहर कहीं घूम रही होती अभी तक इसे बिल्ली ने मार देना था। ये फीमेल तो बाहर है अपने बच्चों के पास नहीं है। यहाँ पर तो 5 बच्चे थे, बच्चे तो 6 थे, एक बच्चा मर गया था। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि कहीं इसके बाकी बच्चों का क्या हाल होगा, ये तो अंदर अपने बच्चों के पास नहीं है। अभी मैं एक दफ़ा ना मटकी को निकाल के देखता हूँ कि सारे बच्चे अंदर ठीक तो है ना। भाई कितने बच्चे हैं, मुझे तो लगता है सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। 5 बच्चे हैं तो माशाल्लाह पाँचों के पाँचों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैन मटकियाँ भी लेकर आ चुके हैं, मिल गई हैं वो 4 मटकियाँ हैं। आप तो काफ़ी ज़्यादा हैं बच्चे, देखो कितनी है, 5 माशाल्लाह। देखो ना कितने प्यारे हैं, वो एक सबसे छोटा वाला नजर ही नहीं आता, वो एक कॉर्नर में घुस जाता है बड़े बच्चों के दरमियान। लेकिन अब ये नहीं पता, ये पकड़ो एक मिनट, वो मटकियाँ रखना, मैं जरा छोटे बच्चे को निकाल के देखूं कि क्या माँ इसको भी फीड करवा रही है, क्योंकि जब बड़े बच्चे होते हैं ना माँ ज़्यादा उनको फीड करवाती है, तो छोटा बच्चा बीच में रह जाता है। अगर तो इसे माँ फीड नहीं करवा रही ना, ओहो माशाल्लाह अच्छे से फीड करवा रही है यार, बहुत अच्छे से। चलो वापस दे दो, सर्दी ना लग जाए कहीं इनको। चलो भाई तुम्हारे बच्चे वापस आ गए हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बस सिर्फ इनको ऐसे देखते हैं ताकि तुम अच्छे से इनकी केयर कर सको। ढक्कन को भी वापस लगा देते हैं। चलो 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 दोस्तों, ये मटकियाँ हम मास्टर केज में हम बाद में लगाने वाले हैं। अभी अभी मुझे जैन ने बताया है कि हमारा जो हिरन का मेल है ना उसका सींग टूट गया। अब ये नहीं पता उसे टक्कर ही मारी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो डरता बहुत है यार, रात को बाहर निकल आते हैं अंधेरे में, टक्करे मारते हैं, तो हो सकता है फिर उसका सींग टूट गया हो या फिर जख्मी हो, कोई पता नहीं है। लेकिन अब जल्दी से जाते हैं, अभी इसने मुझे बताया तो बस जल्दी जाते हैं और उसको देखते हैं। ये रहा मेल और साथ में फीमेल का तो सींग ठीक है, उसका भी बेचारी का एक, लेकिन वो पुराना है। ओह मेल तो काफी ज्यादा सर से जख्मी है, बल्कि इसका मुझे लगता है इस साइड वाला ना सींग टूट ही गया है। यार जल्दी से जाओ, तुम दवाई तो लेके आओ ना, बॉक्स उठा लो। इसको ना अभी पकड़ते हैं, फीमेल को बाहर निकालते हैं और मेल को पकड़ के ना दवाई लगाते हैं। यार हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी इसके सींग आते हैं ये यहीं कहीं टकरा देते हैं। अब ये सिर्फ एक वजह से होता है, अल्फा और चिली की वजह से। वो रात को आते हैं इनके साथ यहाँ पर खेलने के लिए, ये भी अपनी बोरी में से पता नहीं कैसे निकल आते हैं, वो आगे से हटा करना यहाँ पर आते हैं तो डर जाते हैं कहीं एकदम से इनका पता नहीं क्या होता है, तो यार टकराते हैं और फिर ये हाल अपना कर लेते हैं। अभी देखें कैसे सर को ऐसे झटक रहा है, मुझे लगता है इसके सर में दर्द है, तो अभी बस इसको फिर कोई दवाई वगैरह लगाते हैं ताकि ये जल्द ठीक हो जाए। बस अभी यहीं पर रुको। तो दोस्तों मैं पहले फीमेल को निकाल लूँ किसी तरीके से, थोड़ा सा साइड पर रहना, मैं मेल को ना अंदर पकड़ लेता हूँ, बस मेल को मुझे पकड़ना है। एक दफ़ा मेल मेरे हाथ आ गया ना फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ से इनको भागने नहीं देना।
मैं काम करता हूँ, मैं अंदर जाके पकड़ता हूँ, फिर मैं अली तुम्हें बुलाता हूँ, अंदर आ जाना। अली भाई आप थोड़ा सा हट जाए, ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं। कुछ चारा ले आओ जल्दी से, थोड़ा सा चारा ले आओ, मैं इनको थोड़ा सा खिलाऊं हाथ में, फिर ये मेरे पास आएंगे, वरना ऐसे डर रहे हैं। भाई पीछे हट जाओ, ये डर रहे हैं। उस साइड से मैं भी बुलाता हूँ तुम्हें, मैं एक दफा इनको पकड़ लूं, बुला लेता हूँ। सारे मेरे हाथ जख्मी कर दिए, पकड़ के रखना, उसको रख दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको पकड़ो, यहां से पकड़ो, ये देखो, देना 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 मुझे यार, इसमें इतनी ज्यादा जान आ गया, काबू ही नहीं आ रहा। रुक जो, मैं खुद लगाता हूँ, ये देखो खुद को कितना ज्यादा इसने जख्मी कर लिया, सारा बेचारे का सींग टूट गया, इस तरफ वाला भी, पकड़ के रखना, पकड़, छोड़ना नहीं है यार, मेरे दोनों हाथ बाजू सारे इसने जख्मी कर दिए, पकड़ तो लिया, लेकिन ये मेरे कपड़ों की हालत देखे, अब जितना जल्दी हो सके, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखो इसे, जल्दी जल्दी दवाई लगा लें, इनका यही प्रॉब्लम होता है। मैंने उस वक्त भाई को बोला भी था यार कि मुझे जो हिरन का पेयर देना है वो टेम होना चाहिए, उन्होंने फिर भी जान बूझ के ना पैसों की लालच में आकर मुझे ये वाला भिजवा दिया है, हालांकि टेम जो था थोड़ा सा महंगा होता है, पैसे टेम वाले के लिए भिजवा जंगली दिया है। अभी भी देखे ना ये हालत हो रही है हमारी, हम ना इन्हें दवाई लगा सकते हैं ना इन्हें पकड़ सकते हैं। शुक्र है यार दवाई तो लगा दी है, लेकिन अगर दो चार दफा और नहीं लगाएंगे ना तो इसके सर में और सींग वाली जगह पर कीड़े पड़ने का डर लग जाता है। जल्दी 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 तुम निकलो, अली बाहर निकल गया, एक मिनट पकड़ के रखना, ऐसे ये डर जाएगा, ऐसे नहीं, पकड़ के रखो, एक मिनट मुझे भी बाहर निकलने दो, फिर आराम से इसे छोड़ना। मैं छोड़ूंगा। हाँ इसे छोड़ दो, छोड़ के आराम से बाहर निकलो, अब ये खुद उठ जाएगा, अब ये आराम से देखें सर उठा लिया उसने, अब ये बाहर आ जाएगा, ये देखें मेरा हाथ यहाँ से भी, ये भी जख्मी कर दिया है, ये मेरा बाजू, ये इस तरफ से, ये इतना ज़्यादा, चलो बाहर निकलो, उसको भी बाहर निकलने देते हैं, आ जाओ, हाँ अब इसे थोड़ा सा घूमने फिरने देते हैं, थोड़ा सा डर गया, ये देखें ये लाइनें लग गई हैं भाई, इसने तो बहुत ज़्यादा जान वाला, इसकी फीमेल किधर है, वो सामने है, तो उसको भी ले होना ताकि ये देख ले, अभी थोड़ा सा डरा हुआ है भाई, ने हिरन को लगाई है दवाई, अब खुद को लगा रहे हैं भाई, दर्द नहीं हो रहा, ये देखो ना स्किन सारी उतर गई है, यहाँ से भी स्किन उतर गई है, ये भी और ये भी, खैर है कुछ नहीं होता, सेट हो जाएगा, लेकिन यार मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन है। शुक्र है उसने खाना शुरू कर दिया, वो देखो फीमेल खा रही है, वापस आ गया, लेकिन कोई बात नहीं यार ठीक हो जाएगा थोड़ी सी देर तक, सब चारा लाते हैं जल्दी से इनको खिलाते हैं, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे, अब शाम को एक दफा और भी पकड़ना है, ठीक है ना, इसी तरीके से शाम को तुमने पकड़ना है ताकि तुम्हें थोड़े थोड़े जख्म लगे। इनके पांव यार बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ है, हाथ पे तो खैर है नॉर्मल सा, मैंने हाथों को बचा लिया, लेकिन ये मेरा ट्राउजर यहाँ से, फिर दूसरा वाला ट्राउजर इसने आज खराब कर दिया ये, और आज ये मैंने पहली दफ़ा पहना था, इतना ये मजबूत है यार, इतना मजबूत कपड़ा है, लेकिन फिर भी ना इसने ऐसे लात मारी है और यहाँ से ख़राब हो गया, पहले भी एक कर चुका है। चलो मजनू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी लैला को लेकर निकलो यहाँ से, और दोस्तों आपको मज़े की बात बताता हूँ, हमारी दूसरी डायनासोर की फीमेल भी या तो कुड़ुक हो गई है या फिर अंडा देने के लिए बैठी हुई है, अब कोई कन्फर्म नहीं है। हाँ अगर एक चीज़ की टेंशन है तो वो सिर्फ इसके बच्चों की टेंशन है, अभी फ़िलहाल मैं इसे खुद नहीं उठा रहा, 30 तक तो मुझे पता है तकरीबन एक महीना हो गया, 30-32 दिन से हो चुके हैं, लेकिन आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं कि भाई 40 दिन तक ये बच्चे निकाल दी है, तो जब तक 40 दिन पूरे नहीं होते तब तक इसे फिलहाल माफ़ी है, और उसके बाद अगर इसके बच्चे नहीं निकलते तो फिर हम इसे यहाँ से उठा देंगे, क्योंकि बेचारी इतने दिनों से ऐसे बैठी हुई है ना, तो बंदा ऐसे बैठ बैठ के, मतलब परिंदा है लेकिन ऐसे बैठ बैठ के भी तो थक जाता होगा ना, तो इसलिए भाई 40 दिन तक तुम्हें फ्री माफ़ी है, ठीक है ना, दिखा दो कि अब तक तू बच्चा आ ही गया हो, नहीं फिलहाल कोई भी बच्चा नहीं है, अभी हो सकता है 2-4 दिन वेट करते हैं। इस बेचारे की दोनों फीमेल अंडों पे बैठी हुई हैं, तो अब ये बिल्कुल फ्री है, ऐसे बाहर घूम रहा है, मेरे जूतों के साथ लगा हुआ है। हाँ भाई क्या मसला है, भागना नहीं है, इधर हो, बताओ क्या मसला क्या है, बेचारा अकेला हो गया है, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब दूसरी वाली फीमेल के बच्चे निकल आएंगे, तुम्हारे बच्चे बहुत जल्द आने वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं, इधर हो मेरे पास, आ गए हैं बच्चे, अभी आएंगे भी नहीं, ऐसे पता चल जाएगा ना, ये कैसे इंतजार कर रही है चारे का, ये दो फीमेल काफी मोटी मोटी हो गई हैं,
जैन अभी ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, जब ये खुद ही तुम्हें बिल्कुल ऐसे इतनी पतली हो जाएगी कि जैसे कमजोर नहीं होती पेट इनका अंदर चला जाता है, ऐसे हो जाएंगी, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इनके बच्चे आ गए हैं। लेकिन जब बच्चे आएंगे ना तो फिर हमें मेल को अलग करना पड़ेगा, वरना वो बच्चों को मार देता है। तो जिस दिन भी बच्चे आएंगे ना मेल को, तो हम किसी अलग पिंजरे में बंद कर देंगे ताकि मेल अपने बच्चों को ना मार सके। यही वाला मेल है, ये वाला मेल और ये तीन फीमेल है। भाई मजनू अपनी लैला के करीब किसी को नहीं आने देता, पीछे लग जाता है, काटता है, जो 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 पहले जैसे तुम्हारे पीछे लग गया था, आएगा आएगा आएगा। मजनू इधर आओ यार, इतनी प्रोटेक्शन अपनी लैला की बिल्कुल भी नहीं छोड़ता यार किसी को। काफी ज्यादा आजकल गुस्से में हुआ है, उसके करीब नहीं जाना वरना वो तुम्हें काट लेगा। तो है दोस्तों, आज के व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।